लोगों ने सवाल किया कि वो लड़की काली है क्यों करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि लड़की काली है तो क्या हुआ, वह रोटी तो गोरी बनाती है, वह रोटी तो सफ़ेद बनाती है और हमको उससे गुण से काम है, रूप तो एक दिन ढल जाना है। आप कितने भी बड़े रूपवान हो, आप कितने भी बड़े सुंदर हो, आप कितने भी सुंदर दिखते हो, लेकिन ये आपकी सुंदरता ये अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है। और अस्थाई होता है किसी का गुण, किसी का दिल कितना अच्छा है, किसी का मन कितना साफ है। और लोग अभी मन कितना किसका साफ है, किसका दिल कितना साफ है, उन बातों पर ध्यान नहीं देते और उस चेहरे पे चले जाते हैं जो फेयर लवली लगा करके गोरा बनाया जाता है। अच्छे पति की पहचान पत्नी की बीमारी में होती है और एक अच्छी पत्नी की पहचान पति के संघर्ष के दिनों में होती है। पति को पत्नी की और पत्नी को पति की जरूरत जवानी में नहीं बल्कि बुढ़ापे में होती है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया का नया शो सनातन संस्कृति। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दरअसल पति और पत्नी के बीच जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, मामला तलाक तक पहुँच रहा है, कोर्ट तक पहुँच रहा है और ये पारिवारिक झगड़ा कोर्ट तक जा पहुँचता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ समस्या पर ही बात नहीं करेंगे बल्कि हम लोग समाधान पर भी बात करेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या है, इसको कम कैसे किया जा सकता है ताकि घर का झगड़ा बाहर ना जा पाए। और आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए महान शिक्षाविद श्री बेचू प्रसाद शाह जी जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। पॉजिटिव इंडिया के तमाम सुधी श्रोताओं एवं दर्शकों को भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही साथ पॉजिटिव इंडिया परिवार के समस्त सदस्यों को मैं दिल से शुभकामना देता हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि पति और पत्नी के बीच, पति और पत्नी के बीच जो रिश्ते जो खराब हो रहे हैं उसका आखिर कारण क्या है? मेरे ख्याल से पति और पत्नी जीवन रूपी रथ के दो पहिया होते हैं। जीवन रूपी यात्रा में दोनों की सामान्य सहभागिता को नकारा नहीं जा सकता, किंतु वर्तमान समय हमारे युवा वर्ग समभाव को तिलांजलि देकर स्वतंत्र भावना के पक्षधर हो चले हैं। वे अपने मन मिजाज पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण स्वीकार नहीं करते और मन की मौज में बहते हुए जीवन के उपयोगी तत्वों को परित्याग कर उपभोगी तत्वों को परिग्रहण कर दाम्पत्य जीवन को कलह के अंधकूप में जा धकेलते हैं। हमारी वर्तमान पीढ़ी की विकृत जीवन शैली एवं पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति की राहों पर बहते एवं भटकते कदम आपसी रिश्ता में ग्रहण लगाने का मूल कारण बनते देखा जा रहा है। यह रोग यानी तलाक पश्चिम से चलकर ही पूरब की ओर आया है। युवाओं के जेहन में फलती फूलती सुख भोग की लिप्सा यथार्थता की जमी से दूर कर कलह के पंख पयोधि में डुबो देता है। गुणों को नजरअंदाज कर रूप पर रिझना पुरुषों का स्वभाव होता है। कभी कभार आपसी खटास रूप को लेकर भी समाज में बनते देखा जा रहा है। ये सभी विषम परिस्थितियां समाज में दाम्पत्य जीवन में प्रश्न चिन्ह खींच रहा है। सर, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है और जो एक सम्मान की भावना जो होती थी वो अब ख़त्म हो रही है पति और पत्नी के बीच में, और छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अब पेशेंस नाम का चीज़ नहीं रह गया है लोगों के अंदर? जी, मैं इस बिंदु पर कहना चाहूँगा
कि जी सर धैर्य की कमी तो आई ही है और इसी का मूल कारण जो है सो बनता है कि आपसी रिश्ता दाम्पत्य जीवन का बिगड़ रहा है। तलाक के बढ़ते मामले का मूल कारण पति पत्नी के बीच वैचारिक समरसता का सर्वथा अभाव, एक दूजे के प्रति संदेहात्मक भावनाओं का मन मस्तिष्क में अंकुरण, दूषित कलुषित चिंतन को आत्मसात करने की वृत्ति एवं अपनी बातों को हठपूर्वक माने अपनी बातों पर हठपूर्वक अरे रहने की प्रवृत्ति मुख्य रूप से जिम्मेवार है। इसके साथ ही साथ शास्त्रों में आदर्श जीवन गुजर बसर करने हेतु जितने जीवनोपयोगी आदर्श उपस्थित किए गए हैं उन आदर्शों की अवहेलना एवं अनुकरणीय मार्ग का उल्लंघन जैसी बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि हमारे युवाओं के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, रिश्ता निभाने के प्रति धैर्य की भावना अंकुरित हो, तो ऐसी स्थिति में ये सारी व्यवधाने जो आती हैं माने इससे निजात पाया जा सकता है। सर आपने अभी कुछ देर पहले एक बहुत ही अच्छी बात बताई और उसको हम अपने भाषा में अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे कि अभी जो शादी ब्याह जो लोग करते हैं ये एक सुंदर कैसा है, उसका फिगर क्या है, उस पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि पहले जो शादी ब्याह होता था उसमें ननिहाल ददिहाल लड़की का सिर्फ मतलब आप रूप ही नहीं बल्कि उसके गुणों को भी देखा जाता था, परखा जाता था, जो कि अब नहीं देखा जाता। और जो एकमात्र आकर्षण जो शारीरिक आकर्षण की फलना का रूप बढ़िया है तो वो जाकर के एक दिन रूप का ढलना तो एक दिन तय है और यही सब वजह है जिसके कारण ये सब झगड़े तमाम हो रहे हैं। लोगों में एक जो होना चाहिए वो अब पेशेंस की क्षमता अब खत्म होती चली जा रही है। पहले एक सामाजिक बंधन भी होता था कि लोग किसी के साथ अपने पत्नी के साथ अपने बच्चे के साथ अपने माता पिता के साथ गलत नहीं कर पाते थे, सामाजिक बंधन होता था, समाज के लोगों का एक डर मन में रहता था और कहीं ना कहीं ये एकल परिवार जो हो चला है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अब समाज का लोगों के मन में डर नहीं रहा कि क्या होगा नहीं होगा। बस यही सब कुछ कारण हम अपने भाषा में हम ये कहना चाहते थे दर्शकों को। सर अब अगला हमारा सवाल ये है कि दरअसल तलाक के आखिर मुख्य कारणों पर लगभग आपने बता दिया, लेकिन आपसे गुजारिश है कि तलाक का मुख्य कारण जो मुख्य कारण आपने बहुत सारे कारण बताए इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य कारण आपको क्या लगता है और इसके समाधान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उपरोक्त जितने भी कारणों को प्रस्तुत किया गया तमाम कारण जी। हमारे समाज में देखा जा रहा है और इसी की आड़ में सारी घटनाएं घटित होती है। थोड़ी देर पहले आपने कहा तो रूप के बारे में मैं मानता हूं कि रूप पूर्णिमा का चांद है जो एक बार अस्तित्व में आता है और धीरे 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 उसका अस्तित्व एक दिन समाप्त हो जाता है। तो रूप पर आकर्षित होकर रिश्ता के बंधन में बंधना ये भी जो है और समाज के विचारों को दरकिनार कर स्वयं विवेक का प्रयोग करना ये वर्तमान समय रिश्ता में खटास उत्पन्न कर रहा है। पति और पत्नी के मधुमेह संबंध की आर में संदेह की भावना कतिपय प्रस्फुटित नहीं होनी चाहिए। दिल में संदेह का उपजना आसान होता है किंतु उससे मुक्ति पाना उतना ही कठिन होता है। संदेह का कीड़ा रिश्ता को चट कर जाता है। पति और पत्नी सर्वदा सम सूत्र में बंधकर जीवन के घात प्रतिघात को संभाव से स्वीकार करते हुए आपसी सूझबूझ से मिलजुल कर गृहस्थी की गाड़ी को प्रगति पथ की ओर
निरंतर बढ़ाते जाना चाहिए। छोटी मोटी नोक झोंक को बैठकर प्रेम से निपटा लेना चाहिए। विचार एवं व्यवहार में कभी विषम भाव नहीं लाना चाहिए। जहां विषमता की भावना जागृत होती है वहां सहयोग एवं प्रेम में भेद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपसी प्रेम, सहयोग एवं विश्वास को कभी फूट नहीं पड़ने देना चाहिए। प्रेम में जितनी गहराई होगी रिश्ता में उतनी ही ऊंचाई होगी, यह मेरा मानना है। और सर, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों पर जीत पर नहीं अड़ना चाहिए कि ये काम ऐसे इसी तरीके से होना चाहिए। सर, मैं एक व्यक्ति का उदाहरण देना चाहूँगा। उनकी मृत्यु आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व हो चुकी है और उनके बारे में मैं एक बात दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उनको जब अपने बेटे की शादी करनी थी तो उनके बहू के लिए जो रिश्ता आया वो लड़की देखने में तावा के कलर की, यानी कि कह सकते हैं कि काली, जिसको लोग अच्छा नहीं समझते हैं वो काली थी, लेकिन गुण उसमें काफ़ी भरपूर था। और जब वह व्यक्ति अपने बेटे की शादी उस लड़की से करने के लिए तैयार हो गया तो लोगों ने सवाल किया कि वो लड़की काली है, क्यों करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि लड़की काली है तो क्या हुआ, वह रोटी तो गोरी बनाती है, वह रोटी तो सफ़ेद बनाती है और हमको उससे गुण से काम है। रूप तो एक दिन ढल जाना है। आप कितने भी बड़े रूपवान हो, आप कितने भी बड़े सुंदर हो, आप कितने भी सुंदर दिखते हो, लेकिन ये आपकी सुंदरता ये अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है। और अस्थाई होता है किसी का गुण, किसी का दिल कितना अच्छा है, किसी का मन कितना साफ है। और लोग अभी मन कितना किसका साफ है, किसका दिल कितना साफ है, उन बातों पर ध्यान नहीं देते और उस चेहरे पे चले जाते हैं जो फेयर लवली लगा करके गोरा बनाया जाता है। तो हम सर की तरफ से और तमाम पॉजिटिव इंडिया के दर्शकों से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप किसी का भी दिल देखें, उसका मन देखें, किसी का चेहरा न देखें, किसी का शारीरिक ढांचा न देखें और उस पर आकलन न करें। प्यार जो है वो दिल से होता है और दिल से एक ऐसा प्यार होता है। और पति पत्नी का रिश्ते के बारे में जब सर माफ़ी चाहेंगे, हम एक लाइन और बोलना चाहते हैं सर कि पति पत्नी का आखिर रिश्ता क्या होता है। आपको बताते चले कि पति की पहचान पत्नी की बीमारी में होती है, एक अच्छे पति की पहचान पत्नी की बीमारी में होती है और एक अच्छी पत्नी की पहचान पति के संघर्ष के दिनों में होती है। और आपको एक चीज़ और बताते चले कि पति को पत्नी की और पत्नी को पति की जरूरत जवानी में नहीं बल्कि बुढ़ापे में होती है। जब वह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं उस समय दांत झड़ जाता है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे पति और पत्नी अभी हैं जिनके बीच का प्यार आप देखेंगे तो आपको शर्म आएगी कि आप उतना प्यार अभी नहीं कर पा रहे हैं। और जवानी में जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप बुढ़ापे में क्या करेंगे, क्योंकि वो शारीरिक आकर्षण नहीं था, वो दिल का प्रेम था, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की जो भावना थी वो आज तक चली आ रही है। और पूर्वज लोग जो भी कह करके गए हैं एक भी बात गलत नहीं कह के गए हैं। हम यही गुजारिश करना चाहेंगे कि आप आधुनिक संस्कृति को जरूर अपनाएं, लेकिन हमारी जो परंपरा जो चली आ रही है, हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों के आधार पर जो बातें कही हैं उसे भी जरूर सुने। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? आप जो भी बातें कही यथार्थ सत्य है। जी, व्यक्ति को सामाजिक जो अनिवार्यता है इसको कभी भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। समाज के देख रेख में जो संबंध होता है वह चिर अस्थाई होता है और इसमें समाज सामाजिक स्तर पर इसका अध्ययन कर और एक दूसरे को प्रेम सूत्र में बंधवाने का प्रयत्न करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी भविष्य में नहीं रह जाती। रिश्ता में सर्वदा सर्वदा के लिए मिठास बनी रहती है। और इसी बिंदु पर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि सामाजिक अनिवार्यता को कभी भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। समाज
के देख रेख में ही शादी की पवित्र बंधन में बंधना मेरे ख्याल से अनिवार्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।